Hey friends, what's up? Welcome back to today's video. Today I am going to unbox my new parcel. वो parcel क्या है वो आप खुद ही देख लीजिए. और इसके लिए मैंने आपको wait करवाया, उसके लिए sorry, क्योंकि मुझे लगा था कि जब मेरे पापा आ जाएंगे तो मैं उसके हाथों opening करवाऊंगा तो better रहेगा. लेकिन पापा नहीं आ सकते, उसको late होने वाला है, तो आज मैं ही unboxing करने वाला हूँ. और देखते हैं उसमें से क्या निकलता है. और मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. मेरा पार्सल जो कि amazon.in से आया है और लग ये रहा है कि बहुत अच्छा पैकिंग किया है. और देखते हैं आगे आगे अंदर क्या निकलता है. अनबॉक्सिंग करते हैं इसकी. तुसा भी निकलता. Oh yeah. New action camera. Oh, noise play SE वाला मॉडल मेरा है, स्पेशल एडिशन जो कि मैंने ऑर्डर किया था और आज आ चुका है. तो इसकी करूँगा मैं अनबॉक्सिंग, दिखाऊंगा आपको फर्स्ट लुक एंड दूंगा आपको रिव्यू. देखते हैं और क्या आया. मैंने और एक चीज़, हाँ ये रही मेमोरी कार्ड. मैंने पूरा पढ़ लिया. मेमोरी कार्ड नॉर्मल है लेकिन यहाँ पर लिखा है विन गोल्ड 5 ग्राम डेली. तो इस पे ये स्क्रैच करना है, तो अभी करते हैं और देखते हैं इसमें से हमें क्या मिलता है. छी छी छी. अगर इसमें से कुछ निकला तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, लेकिन लगता नहीं है कि इसमें से कुछ निकलने भी वाला है. तो इसे रखते हैं साइड में, अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है. और फोकस करते हैं इसके ऊपर. और मुझे पहले लुक से तो यही लग रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा रफ एंड टफ है और बहुत ज़्यादा मजबूत है, अच्छी क्वालिटी का है. बॉक्स पैकिंग भी अच्छा है और हैवी भी है कुछ ज़्यादा ही. तो अंदर एसेसरीज भी होगी, देखते हैं क्या क्या हमें मिलता है. ये भी कोई नॉइस का स्टिकर है जिसमें सारी डिटेल्स लिखी हुई है कि इसमें क्या क्या है क्या क्या नहीं. ओह, इसकी MRP तो 7000 है. बाय द वे मैंने कितने में ख़रीदा है मैं आपको आखिर में ज़रूर बताऊंगा, लेकिन 7000 में तो नहीं ख़रीदा है, मुझे बहुत ज़्यादा सस्ता में मिला है. और लिखा है वायरलेस रिमोट, 30 मीटर वाटर प्रूफ, वाईफाई कंट्रोल, 4K 30 FPS वीडियो. एंड पीछे दिए गए हैं स्पेसिफिकेशंस कुछ जो कि मैंने पहले ही पढ़ लिए हैं, मतलब जब मैंने ऑर्डर किया था तब पढ़ लिए हैं. इसमें कुछ भी नया नहीं है, नीचे भी कुछ है. 170 डिग्री FOV, स्लो मोशन, टाइम लैप्स, वाटरप्रूफ वगैरह वगैरह वगैरह. और तो कुछ लगता नहीं है. बारकोड है, पता नहीं किस लिए, देखते हैं. अभी तो इसे खोलने की बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है. ये खुलता कैसे? ओ यहाँ पर एक और सेलो टेप है, यहाँ पर यार राइट यार, यहाँ पर भी. मैंने तो वो देखी नहीं थी, मैं डायरेक्ट तोड़ देता अभी. या सो लेट्स ओपन इट. या जी, इतनी सारी एसेसरीज. मुझे तो लगा था कि कुछ ही चीज़ें आएगी, दो चार चीज़ें इतने रुपए में तो. लेकिन पहले फोकस करते हैं कैमरा के ऊपर. ओह ये तो हेवी है, सोचा था उससे तो ज़्यादा है और बड़ा भी है कुछ, लेकिन पता नहीं चल रहा है इसके बारे में कुछ भी. तो इस कैमरे को खोलना भी एक बहुत ही बड़ी चैलेंज होती है. वैसे तो मुझे नहीं पता था, तो मैं यहाँ पर ये जो सारी स्विचेस है वहाँ पर कुछ कर रहा था लेकिन नहीं हो रहा था. बाद में पता चला कि ये कुछ ऐसे खुलता है, बहुत ही ज़्यादा टाइट है. हाँ बट ये सेफ्टी है तो होना ही चाहिए, इतना तो टाइट. आजा आजा,
मुझे इसके साथ कुश्ती खेलनी पड़ती है जब मैं इसे निकालना चाहता हूँ तब, लेकिन निकल जाता है। ये कवर का ही कुछ ज़्यादा वेट है, बाकी बहुत ही कम वेट का है ये और बहुत ही अच्छा है। मैंने सोचा नहीं था कि इतनी अच्छी डिटेलिंग मुझे मिलेगी, फिनिशिंग वर्क भी मुझे इतना अच्छा मिलेगा। मुझे तो लगा था कि रफ़ होगा, अच्छा कुछ होगा नहीं देखने में, लेकिन इसकी तो क्वालिटी के साथ इस लोगों ने बहुत ही ज़्यादा अच्छा लुक भी दिया है। दूर से तो ये बहुत ही अच्छा दिखता है। इसमें एक कोटिंग लगा हुआ है प्लास्टिक का, जो कि सेफ्टी के लिए लगा होगा शायद। ये वाटरप्रूफ कवर, इसको रखते हैं साइड में और देखते हैं एसेसरीज। ये इसमें बहुत सारे मुझे पोर्ट्स और वो सब कुछ वगैरह दिया गए हैं, मुझे नहीं पता है उसका क्या करना है, लेकिन इसमें फिर भी दिया गया है तो मैं रिटर्न तो नहीं करूँगा, कभी ना कभी तो यूज़ में आ ही जाएंगे। ये वो है, अरे वाह क्या बात है, ये बहुत ही कीमती चीज़ है। और देखते हैं, ये वो बेल्ट है जो शायद मुझे यहाँ पर वेस्ट पर बांध सकता हूँ, और दो बेल्ट हैं। अगर मैं दोनों को मर्ज कर दूँ तो मैं अपने सर पर भी शायद इसे लगा सकता हूँ किसी ना किसी तरीके से, पता नहीं, देखेंगे अभी। और ये वो चीज़ है जो मैं खोज रहा था बहुत टाइम से, क्योंकि मेरे फ़ोन का USB केबल जो है वो टूट गया था, तो मैं नया लेने वाला था, लेकिन बहुत ही अच्छा हुआ कि मुझे ये मिल गया। तो नेक्स्ट चीज़ है, ये भी कोई पोर्ट है, ये भी, ये क्या है, ये भी, हाँ ये आई कुछ काम की चीज़। ये है रिमोट फ़ोटो के लिए, ये रेड वाला, और ये ब्लिंक भी करता है, और ये वीडियो के लिए, वाह बहुत ही बढ़िया। ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का लग रहा है क्योंकि हैवी है, प्लास्टिक भी मजबूत है, मतलब टूटने वाला नहीं है। तो देखेंगे, इसे करेंगे ट्राई। और ये मैंने कुछ देखा, मुझे पता नहीं चला कि दो जो कुछ बहुत ही अलग ही मटेरियल के कुछ मुझे दिए गए हैं, और उसके बीच में कुछ छेद है छोटा सा, उसका क्या करना है मुझे भी नहीं पता। मैं इसे निशिल से पूछ लूँगा कि ये क्या होता है, किसके लिए होता है। ये भी कोई स्टैंड, ये है नॉइस की तरफ से मुझे दिया गया एक मैनुअल। नॉइस प्ले स्पेशल एडिशन यूजर मैनुअल, इतना लंबा मैं नहीं पढ़ने वाला, इंग्लिश में है। इसमें कहा गया है अगर आप इसे लव करते हैं तो ये कीजिए, प्रॉब्लम है तो इससे कॉन्टेक्ट कीजिए, थैंक यू वेरी मच एंड टैग अस। सो अगर मुझे कैमरा पसंद है तो नॉइस में आपको ज़रूर टैग करूँगा, और उसके बारे में अच्छे रेटिंग्स एंड रिव्यूज़ भी दूंगा। और एक अच्छी बात कि मुझे नहीं पता था कि इसमें कितने GB तक का मेमोरी कार्ड सपोर्टेबल है, मैंने अभी देखा तो मुझे पता चला कि इसमें अप टू 64 GB का है। किधर गया, ये रहा माइक्रो SD क्लास 10 अप टू 64 GB, और ये मेरा एग्जैक्ट 64 GB वाला ही है। और मैं सोच रहा था कि मैं इससे बड़ा वाला लूँ, अच्छा हुआ कि मैंने नहीं लिया, मैं बच गया, वरना तो मुझे बहुत ही बड़ा नुकसान हो जाता। लेकिन कोई नहीं, अब बारी आती है इसे टेस्ट करने की, और ये सब कुछ जो मैंने यहाँ पर फैलाया है उसको वापस समेटना भी होगा, वरना मम्मी आएंगे तो मुझे डांटेंगे कि तुमने क्या किया है। और ये सब कुछ कचरे को पहले हटाते हैं, उसके बाद इसकी क्वालिटी टेस्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मुझे कैमरा किधर गया, हाँ कैमरा, इसे चार्जिंग में रखना होगा क्योंकि इसमें बैटरी नहीं है, अभी चार्ज नहीं है, बैटरी है इसमें, देखते। लेकिन इस कैमरे के बारे में मेरा एक और सवाल है कि ये एक मेमोरी कार्ड के लिए स्लॉट है, ये वाला चार्जिंग के लिए है, लेकिन नीचे वाला जो है वो किस लिए है मुझे नहीं पता है। सो गाइज, अगर आप में से किसी को भी पता हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि ये किसके लिए है, वरना ये तो मेनू, पावर ऑन ऑफ, और ये दो बटन्स है, और बाकी तो मुझे पता है कि यहाँ पर बैटरी आती है जिसे हम खोल के देखेंगे कि इसका कितना बैटरी लाइफ है, कितनी देर तक चलेगी। खुल जा, हर बार ऐसा होता है, जब भी मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ कोई भी चीज़ को मैं खोलता हूँ तो वो खुलती ही नहीं है। हाँ खुल गई, और ये निकली बैटरी। तो बैटरी में लिखा है 3.7 volt लिथियम बैटरी 1050 mAh, मतलब कि ये बहुत ही अच्छी वाली बैटरी कहूँगा मैं, अच्छी है, लेकिन वार्निंग्स भी है। ये कॉमन हो गया, इसको डाल दो।
तो इस कैमरे के साथ मैंने आज पूरा दिन रिकॉर्डिंग किया, उसमें देखा बहुत अच्छी क्लियरिटी आ रही थी, स्लो मोशन और टाइम लैप्स के हर तरह के मैंने वीडियोस शूट किए, जितने उसमें ऑप्शंस आते थे और देखे अच्छे आए हैं और क्वालिटी भी अच्छी है। स्पेशली स्लो मोशन मुझे इसका बहुत पसंद आया है, लेकिन प्रॉब्लम्स के बिना तो ज़िंदगी अधूरी है यार, ऐसा कैसे चलता है? तो देखिए, अभी जब मैं कैमरे में देखता था तो सभी वीडियोस प्ले होते थे, सब कुछ होते थे नॉर्मल, लेकिन कंप्यूटर में डाला प्ले नहीं हो रहा है, मेरे फ़ोन में डाला प्ले नहीं हो रहा है। मैंने सोचा कि मेमोरी कार्ड में कोई प्रॉब्लम होगा, दूसरा मेमोरी कार्ड लिया, उसमें भी मैंने रिकॉर्ड किया और डाला, नहीं हो रहा है। मतलब इस कैमरे में कुछ ऐसा प्रॉब्लम है कि जिसमें से रिकॉर्डिंग हो सकता है लेकिन वीडियो जो है पता नहीं क्यों प्ले नहीं हो रहा है। फोटोज़ तो जो है वो क्लिक किए हैं वो अच्छे आए हैं, वो इसमें शो कर रहे हैं, स्लो मोशन शो कर रहे हैं, लेकिन कोई नॉर्मल वीडियो कोई भी इसमें प्ले ही नहीं हो रहा है। और ऐसी वार्निंग दिखा देते हैं कभी कभी, सिर्फ ऑडियो प्ले होता है, वीडियो नहीं दिखता है, तो बहुत प्रॉब्लम वाला है, अभी शुरू नहीं हो रहा है। तो मैंने कॉल किया था जो हमारे राइफल शूटिंग क्लब में एक भैया है, वो प्रोफेशनल फोटोग्राफर है, उसको। तो उसने बोला कि MX प्लेयर डाउनलोड करो, तो मैंने वो भी किया, उसमें भी नहीं हो रहा है, मतलब कोई भी तरह से नहीं हो रहा है। वाईफाई से भी मैंने ट्राई किया तो डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो पता नहीं इसमें क्या प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे इतना पता है कि नॉइस इसमें कुछ तो गड़बड़ है यार। तो ये मॉडल में प्रॉब्लम है, ये मेरे एक मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट है या क्या है, मुझे कुछ नहीं पता है। तो कल मुझे उस भैया से मिलने जाना है दोपहर को 3 बजे, तो मुझे नहीं पता है कि इसका मैं क्या करूँगा। अगर कोई सोल्यूशन निकल आएगा तो इसको रख लूँगा, और अगर नहीं निकल आया तो मैं इसे रिप्लेस तो नहीं करने वाला, लूँगा कोई और कैमरा, मतलब नॉइस का नहीं लेने वाला हूँ। दो सोचे हैं, एक है SJKM का और एक है YI का, आगे देखते हैं, वो फाइनल नहीं है, मैंने सिर्फ सोचा है, तो देखूंगा क्या होता है। पर यार आज इसमें 38 वीडियोस मैंने शूट किए थे, जिसमें मोर देन 30 वीडियोस के जो थे वो इसी के लिए थे, और लंबा वीडियो बनाना था इसके ऊपर, सभी तरह के वीडियोस ट्राई किए थे, तो मेरी सारी मेहनत पानी में गई, बहुत दुख हो रहा है, लेकिन चलेगा अभी। और अभी प्लानिंग कुछ ऐसा है, इसको मैं रख दूंगा अभी, और देखते हैं इसके बारे में क्या करना है। मैंने नॉइस को भी इसके बारे में जो मेरी रिपोर्ट है वो नोट डाउन करवाई है, और उसका क्या रिप्लाई आता है मुझे नहीं पता, देखेंगे अभी। तो अभी मैं बस इतना ही रखता हूँ, आगे क्या होगा मुझे नहीं पता है, लेकिन जो भी होगा सो देखा जाएगा। मैंने इस कैमरे में शूटिंग किया, रिकॉर्डिंग किया, तो इसका बहुत ज़्यादा वाइड एंगल है, सुपर वाइड एंगल है। तो इसको यूज़ करने के बाद शाम को जब मैंने इसको लिया तो मुझे लगा हाय हाय, मेरा कैमरा जूम आउट ही नहीं हो रहा है। बाद में याद आया कि आज ये कैमरा नॉर्मली है, आज मैंने ये यूज़ किया था, इसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जूम इन हो गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो ये तो सिर्फ मेरा ही प्रॉब्लम है, इसमें तो मेरे फ़ोन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो इसकी नॉइज़ क्लियरिटी है वो इसकी ज़्यादा अच्छी है, ऑडियो क्लियरिटी, नॉइज़ क्लियरिटी नहीं, सॉरी। तो गाइस अभी दिन बदल चुका है, और कल मैंने बोला था कि मेरे कैमरे में प्रॉब्लम थी, लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ कि मैं दोपहर को मेरे राइफल शूटिंग के फ्रेंड को मिलने गया था, जिसको कैमरे और सब कुछ बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में पता होता है। तो उसके पास गया था, तब मुझे सब कुछ पता चला कि नॉइस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो नॉइस सॉरी, मैंने आपको क्या कुछ नहीं बोला मुझे भी याद नहीं है, लेकिन बहुत छानबीन करने के बाद आखिरकार मुझे ये पता चला कि जो प्रॉब्लम थी वो मेरे कैमरे में नहीं थी, मेरे फ़ोन में थी, और मेरे पीछे जो कंप्यूटर दिख रहे थे उसके डिस्प्ले में थी, क्योंकि वो 4K वीडियो सपोर्टेबल नहीं थी, और मैं तब शूट कर रहा था 4K 30 FPS पर, और तब उतना हाई रिजोल्यूशन वाला जो वीडियो था वो मेरे किसी भी फ़ोन या कंप्यूटर में सपोर्टेबल नहीं था, तो ये नहीं हो पाया। और अभी मैंने मेरे भाई के नए फ़ोन में डालकर देखा तो उसमें सपोर्टेबल था, उसमें दिखाया, वो मेरे राइफल शूटिंग के फ्रेंड के फ़ोन में दिखाया, तो बाकी सभी जगह पर प्ले हो रहा था तो उसमें नहीं हो रहा था। और अभी मैं फ़िलहाल शूट कर रहा हूँ ऐसी से ही, पर 720p 30 FPS पर, और ये जो है वो मेरे फ़ोन में सपोर्टेबल है, तो मैं मेरे फ़ोन से ही एडिट कर सकता हूँ, क्योंकि मैं मेरे भाई के फ़ोन से व्लॉग एडिट तो कर सकता हूँ, लेकिन वो कुछ ही दिनों के लिए यहाँ है, बाद में उसका फ़ोन बिजी रहता है तो मैं उसमें नहीं कर सकता। और अब मैं बात करता हूँ थोड़े से बजट के बारे में। तो अगर आपका बजट 3,000 से 5,000 के बिटवीन है तो आप कोई ऐसा नॉइस प्ले वाला ले सकते हैं, वाई वाला ले सकते हैं, और अगर आप चाहे तो SJKM के SJ4000, 5000 एंड 6000 वाली सीरीज है वो ले सकते हैं। थोड़ा सा आप जाएंगे तो आपको 10,000 के बिटवीन आपको मिल जाएगा,
S6 लेजेंड जो कि बहुत ही बढ़िया कैमरा है, और उससे ऊपर आपको चाहिए तो S9 मैक्स है, और उससे भी अप जाना है आपको तो फिर GoPro ही बढ़िया है, आप वो भी ले सकते हैं। तो अभी नॉइस के बारे में बात करते हैं, तो 4K वीडियो की क्लियरिटी बहुत ही अच्छी आ रही है, लेकिन मैं उसको नहीं डाल पाऊंगा इस वीडियो में। तो इस जो कैमरे की क्लियरिटी है उसको मैं जल्द ही आपको दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे पास एक और कैमरा आने वाला है YI का 2K वाला वर्जन, जो कि मेरा नहीं है, वो फ्रेंड का ही है, YI का 2K उसने मंगवाया है, तो उसने बोला है कि वो पहले मुझे देगा, मैं अनबॉक्सिंग करूंगा, उसका कंपैरिजन करूंगा इसके साथ और रिव्यू दूंगा और फिर वापस उसको दे दूंगा। तो ये सिर्फ इतनी सी बात है, तो जब तक मेरे पास कोई अच्छी सी डिस्प्ले फ़ोन या वगैरह कुछ नहीं आ जाता तब तक मैं 720p पे ही कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगा अपने वीडियो को। तो गाइज मुझे माफ़ कर देना अगर आपको ये क्लियरिटी पसंद नहीं आ रही है तो, और अगर ये कूड़ा भी पसंद नहीं आ रहा है तो माफ़ कर देना, लेकिन मैं कभी मेरे डेस्क पर सफाई नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे नहीं पसंद है इसीलिए। तो बस आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, नए हो तो सब्सक्राइब करना, और कोई सवाल या सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना यार। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई एम देवत जोगिया साइनिंग ऑफ।